भारत में संवाद और विमर्श की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तर्क, वाद, युक्ति, प्रमेय, प्रमाण, निर्णय जैसा शब्दों का संदर्भ हमारी परंपराओं में विमर्श की स्वस्थ परंपरा की ओर संकेत करता है। ज्ञान की प्रामाणिकता और सत्यान्वेषण के लिए संवाद एक सभ्य स्वीकार्य पद्धति है। भारतीय परंपरा में ऐसी कई संवादों का प्रसंग मिलता है, जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद से गीता का उदय हुआ, यज्ञवल्क गार्गी संवाद से रुद्रद्वारण्य उपनिषद का निर्माण हुआ। इसी प्रकार यज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद में नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों का गहन चिंतन है। आज का परिस्थिति में ये मंथन बहुत जरूरी है। मैंने इस कार्यक्रम में आने के पहले एक वहां चित्र दर्शनी का भी प्रारंभ किया, एग्जीबिशन, इट्स रियली वंडरफुल बिकॉज व्हाट इज देयर इन झारखंड, व्हाट इज देयर इन इंडिया, व्हाट इज देयर अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, इट हैज बीन वेल एग्जीबिटेड एंड डिजर्व्स टू बी सीन बाय वन एंड ऑल, पर्टिकुलर यंगर जनरेशन। मेरा सुझाव है झारखंड का युवकों से, जरूर आप लोग इस प्रदर्शन को देख लीजिए। बहनों और भाइयों, लंबे समय तक औपनिवेशिक गुलामी न सिर्फ हमारी राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं के समाप्त करती है बल्कि उनका नैसर्गिक विकास को भी विकृत कर देती है। लंबी गुलामी समाज के अपने इतिहास बोध को समाप्त कर देती है और सामुदायिक रचनात्मक मेधा को नष्ट कर देती है। अतः आवश्यक है कि समाज स्वयं अपना इतिहास बोध विकसित करे, जिसमें मौखिक इतिहास, लोक परंपराओं, स्थानीय परंपराओं, भाषा, साहित्य, लोक कलाओं का प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व दिया जाए। यही काम यहाँ हो रहे हैं सचमुच में।